अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ एक का डबल के हवाले से आपका प्यारा भाई हसन फारूक बड़ला साहब की खिदमत में हाजिर है। ये हमारी एक का डबल पे एक फाइनल वीडियो होने जा रही है, जिसमें मैं एक एक प्रोसेस, पिछली भी मैंने वीडियो बनाई थी मगर उसमें मैंने कुछ गलतियां की क्योंकि मुझे भी कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं खुद नहीं करता, ये आप लोगों के लिए पहली बार मैंने स्टेप लिया। तो मैंने पूरी फिर रिसर्च की कि किस तरह से होगा। बहुत सारे लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार थे। इस वीडियो में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप ये वीडियो पूरी देखें स्टेप बाय स्टेप, चाहे आप MBFX में ज्वाइन करना चाह रहे हो या एक्सनेस में ज्वाइन करना चाह रहे हो, इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन रह जाएगी। पहली चीज, अच्छा एक का डबल है क्या? वो लोग जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, हम $500 का अकाउंट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। पहले हमने सोचा था मंडे से करेंगे मगर बहुत सारे हमारे पास तकरीबन अभी तक 600 लोग जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं और 600 में से सिर्फ 300 लोग वो हैं जो कि अपना अकाउंट जो है वो एक्टिव करने में कामयाब हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। अब उसमें से भी जो है 300 लोग रह गए हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि यार हमने भी ज्वाइन करना है, हर हाल में ज्वाइन करना है मगर हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, ट्यूसडे से हम अब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 18 मार्च की जगह 19 मार्च से हम स्टार्ट करेंगे, $500 से स्टार्ट करेंगे। हमारा टारगेट ये है पहले ही उसमें कि जो आप $500 का डिपॉजिट कर रहे हो उस पर हम $1000 जो है वो प्रॉफिट बना के जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो पहले निकाल लें किसी तरह, उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर समझो कि अन्य वार रिस्क लेके जो है उसको हम काम करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ईद से पहले पहले, यानी कि अप्रैल 15 से पहले पहले हम इस अकाउंट को जो $500 से स्टार्ट किया है इसको $5000 पे लेके जाएं। तो ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है हर बंदे के लिए, मेरे लिए भी इंक्लूडिंग। मगर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना लाजमी है आपने कि देखें हमारी अलग सर्विसेज है, जैसे आपको पता है मैं एक कॉपी ट्रेडिंग की सर्विस देता हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि हम आपसे वादा करते हैं कि लॉस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उस पर हमारा टारगेट ही होता है सिर्फ महीने का 5% बनाना, हम रिस्क ही नहीं लेते, बगैर रिस्क लिए काम करते हैं और 2 सालों से हम चलाते हुए आ रहे हैं। मगर एक का डबल में रिस्क इन्वॉल्व है, मैं आप लोगों को कोई झूठे वादे नहीं दे रहा, कोई आपको मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा, एक का डबल जो है वो रिस्की ट्रेडिंग है क्योंकि आप $500 को $5000 या $10000 पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, तो रिस्क के बगैर ये चीज़ नहीं होती। कुछ लोगों का मुझे पता लगा है जो लोन लेके या उधार लेके इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है कि देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग कभी भी उधार के पैसों पे नहीं की जाती है। जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग उधार के पैसों पे करते हो तो आप फंसते हो, चाहे वो आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी के पास इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ना करें तो बेहतर है। मगर ये उन लोगों के लिए कि जो रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, मैं कोई झूठा वादा नहीं कर रहा ना। वो अक्सर देखा मैंने लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि डबल छा, देखो डबल छा उस सूरत में आप मुझे बोलो कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई ये पैसे मुझे दे दो और मैं आपको वापस करूंगा, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो ब्रोकर है MBFX, वो ब्रोकर है एक्सनेस, उसमें आप अपना अकाउंट बनाओ, खुद डिपॉजिट करो और मेरे अकाउंट को फॉलो कर लो जो मेरा जाती अकाउंट होगा, हम उस पर ट्रेड करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा आपके सामने होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दो नंबरी तो है ही नहीं ना, कोई भी किसी किस्म की दो नंबरी का चांस तो है ही नहीं। मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, आप ब्रोकर में कर रहे हो, वहां पे मैं ट्रेड कर रहा हूं, आपके अकाउंट में कॉपी हो रही है, आपका प्रॉफिट बन रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है व्हाट्स एवर, ठीक है। तो ये एक जनरल ट्रेडिंग का हमने सिलसिला शुरू किया है, बस इसमें क्या है कि हाई रिस्क पे हम काम करने जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि ज्वाइन किस तरह से आपने करना है। ये गूगल फॉर्म है, ये लिंक इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा, हर जगह पे जहां पे भी एक का डबल या कोई भी मेरी सर्विस होती है उस सारी सर्विसेज का इस गूगल फॉर्म में मैंने जिक्र किया हुआ है, सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है, जैसे आप देख सकते हैं या आप बाद में पढ़ सकते हैं, एक का डबल क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, कॉपी ट्रेडिंग उसमें हम 5-10% मंथली जनरेट करके देते हैं, 2 साल से करते हुए आ रहे हैं, ये लो रिस्क वाला है,
उसके बाद प्राइवेट इक्विटी फंड, प्राइवेट फंड मैनेजमेंट है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है $50,000 से $1,00,000 तक की, तो उस पर जो हमारे हाईली टेक्नोलॉजी वाले AI सिस्टम है वो हम चलाते हैं, और उस पर पिछले 18 महीने का मेरे पास लाइव रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अगर आपके पास $1,00,000 है, आप आओ मैं आपको पहले 18 महीने का दिखाता हूँ। $1,00,000 पे हर महीने की जो एवरेज आ रही है वो $40,000 की प्रॉफिट की आ रही है, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे लोगों को पता है स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, हमने उसको अपडेट कर दिया, अब वो सिग्नल्स आपको देता है, बजाय इसके कि आप मेरे इंतजार में बैठो कि मैं सिग्नल दूं, एसएन भाई की मीटिंग में भूल गए सिग्नल देना, सॉफ्टवेयर आपको खुद अलर्ट दे रहा होगा, सिग्नल्स दे रहा होगा, तो ये भी आप फ्री में हासिल कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है इसके। हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम सिर्फ दो ब्रोकर्स में देते हैं, सबसे पहला है MBFX, दूसरा है एक्सनेस, ठीक है। दोनों अच्छे नाम याफ्ता ब्रोकर हैं, अच्छी शोहरत रखते हैं, दोनों ब्रोकर रेगुलेटेड हैं। यहाँ पे मैंने WikiFX का जो है लिंक दोनों का डाला हुआ है, WikiFX में MBFX का जो रेटिंग है वो मेरे ख्याल से 7 के करीब है और एक्सनेस की जो है वो 8 के करीब है, सारी डिटेल मौजूद है कि क्या रेगुलेशन है कहाँ की है, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं अपने डिसएडवांटेजेस हैं। स्प्रेड की अगर हम बात करें MBFX और एक्सनेस का स्प्रेड सेम है, और ट्रेडिंग बोनस की अगर बात करें तो एक्सनेस जो है वो कोई बोनस नहीं देता है, मगर MBFX जो है वो 20% बोनस जो है वो देता है। डिपॉजिट विड्रॉ की अगर बात करें तो MBFX पाकिस्तान इंडिया या दुबई में जो लोकल डिपॉजिट है, क्योंकि मेरे ज़्यादा सारे क्लाइंट्स वहीं के हैं तो मैं उसी रीज़न को बताऊँगा, तो वो मैक्सिमम 1 आवर में आपको डिपॉजिट और विड्रॉ मिल जाता है MBFX में। एक्सनेस में लोकल डिपॉजिट थोड़ा स्लो है, वो अराउंड 48 आवर्स ले लेता है, 3 दिन 2 दिन आपके लगते हैं डिपॉजिट या विड्रॉ में। मगर अगर आप क्रिप्टो की बात करें तो एक्सनेस का जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है वो बहुत फास्ट है, विद इन सेकेंड्स आपको बिटकॉइन या USDT के जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो डिपॉजिट विड्रॉ हो जाता है। MBFX में जो है वो तकरीबन 1 से 2 घंटा लगता है, तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इन दोनों का। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपने अकाउंट कैसे ओपन करना है, और पूरी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, प्लीज़ एक एक स्टेप को देखें ताकि जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको वो समझ आए, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद किसी को कोई भी इसमें मसला होगा अकाउंट ओपन करने का, ठीक हो गया। ब्रोकर आपने खुद चूज़ करना है, मैंने आपको दोनों की अच्छाइयाँ भी बता दी, दोनों की बुराइयाँ भी बता दी, चूज़ करना आपका काम है। आप MBFX चूज़ करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आप एक्सनेस चूज़ करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। अच्छा, अकाउंट आपने जो है MBFX में अगर बनाना है तो इस लिंक से बनाना है, इसके अलावा आपने डायरेक्ट जाके नहीं बनाना। अगर आपका MBFX में पहले से अकाउंट मौजूद है तो आप अपनी लाइव चैट पर जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको ये लिंक भेज देंगे, बोलेंगे, आप बोलेंगे कि यार मेरा जो भी अकाउंट है वो इस लिंक के अंडर आप डाल दें, तो वो आपको डाल देंगे। एक्सनेस का उसी तरह अकाउंट आपने बनाना है तो इस लिंक से बनाना है, इसके अलावा आपने नहीं बनाना है। और अगर आपका एक्सनेस में पहले से अकाउंट जो है वो मौजूद है तो आपको एक्सनेस में ये थोड़ा है कि आपको फिर नए सिरे से अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सनेस की पॉलिसी है वो IB के अंडर अकाउंट नहीं डालते हैं अगर पहले से हो, तो आपको नया अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। सेम नाम से बना सकते हैं, सेम अपने नाम से, सेम KYC आप दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नया ईमेल आपने यूज करना है, तो आपको नए ईमेल से सेम अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट इन लिंक्स के अंदर बनाना लाजिम है, उसकी वजह यह है कि आपको अगर हमारी कोई भी सर्विस चाहिए होगी तो हम आपसे अकाउंट नंबर मांगेंगे, आप अकाउंट नंबर देंगे, वो हम वेरीफाई करेंगे, अगर वो हमारे अंडर होगा तो हम आपको सर्विस देंगे, अदरवाइज हम सर्विस नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी सर्विस हो, स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर हो या कुछ भी हो। इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर जिस पे बहुत लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, उसकी टोटली फ्री है, ठीक है, कोई हम उसके पैसे नहीं लेते, सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, मगर हमें उसकी एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। हमारी टीम जो उस पे नज़र रखी हुई है, तकरीबन 6 लोगों की जो IT टीम जो उसको पूरे सॉफ्टवेयर को चला रही है और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो फिर हम यहाँ से निकालते हैं, जो कि हमारा हक बनता है, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले अगर आपने MBFX में अकाउंट बनाना है या आप बना चुके हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से करना है। लिंक पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे आपके पास फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना नाम, ईमेल, मुल्क, फोन नंबर डालेंगे, रेफरल कोड, क्योंकि आप लिंक से ऑलरेडी जा रहे हैं तो रेफरल कोड की जरूरत नहीं है, पासवर्ड वगैरह डाल के आप जो है अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ठीक हो गया, पहला स्टेप ये। अब अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, आप सिंपल जाके लॉग इन कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो जैसे मैंने बताया मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ था, तो सिंपल मैंने ऑलरेडी लॉग इन अकाउंट पे जाके, नीचे लॉग इन का ऑप्शन था, उस पे मैंने लॉग इन कर दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है वो डैशबोर्ड खुल जाएगा MBFX का। पहले मैं MBFX का बता रहा हूँ, उसके बाद जो है वो मैं आपको एक्सनेस के बारे में बताऊंगा कि एक्सनेस में किस तरीके से आपने काम करना है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक डैशबोर्ड आ गया। अब हमने क्या करना है, फर्ज कर लें कि आपका अगर तो पहले अकाउंट बना हुआ है तो फिर आप इस चीज़ को इग्नोर करें, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आप जाके KYC करेंगे। KYC अगर आपको नहीं करनी आ रही तो आप लाइव चैट पे जाके पता कर सकते हैं, यहाँ पे पोर्टल गाइड पे जाके आप उनसे पूछ सकते हैं, सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकते हैं कि KYC कैसे करनी है, क्योंकि मेरी KYC हुई हुई है इस वजह से नहीं आ रहा, वरना आप न्यू अकाउंट पे जाएंगे या डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वो आपसे KYC मांगेगा। KYC क्या है कि नो योर क्लाइंट, आपको अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देना पड़ेगा। KYC मेरे ख्याल से 1 घंटे में हो जाती है। KYC के बाद आपने सबसे पहले आना है न्यू अकाउंट में, क्रिएट अकाउंट करना है आपने कॉपी ट्रेडिंग का, प्रीमियम या VIP का नहीं, कॉपी ट्रेडिंग का। यहां पे वो आपसे पूछेगा सिलेक्ट अकाउंट टाइप, वो आप कर देंगे कॉपी ट्रेडिंग, सिलेक्ट ग्रुप, अब आप स्वैप अकाउंट चाहते हैं, इस्लामिक अकाउंट चाहते हैं तो इसको मैं इस्लामिक कर देता हूं। लेवरेज वो आपसे पूछेगा, उसको आप मैक्सिमम कर देंगे। अकाउंट निकनेम वो आपसे पूछेगा, आप जो भी अपने अकाउंट का नाम रखना चाहते हैं वो रख देंगे। पासवर्ड आपसे पूछेगा, आप पासवर्ड रख के इसको क्रिएट कर देंगे, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। दोबारा मैं नहीं बना रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आप उसके बाद माय अकाउंट में जाएंगे, वहां पे जो भी आपने अकाउंट बनाया हुआ होगा वो आपका अकाउंट जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने ये अकाउंट बनाया था एक के नाम से, ठीक है, मगर मैं एक काम करता हूं, मैं एक और अकाउंट बना लेता हूं ताकि आप लोगों को पूरी चीज मैं समझा सकूं। ठीक हो गया। कॉपी ट्रेडिंग, इस्लामिक, लेवरेज मैक्सिमम, अकाउंट निक नेम हम रख देते हैं SN, टेस्ट SN, कैप्स लॉक ऑन हो गया, SN वीडियो। ठीक हो गया। SN वीडियो के नाम से मैंने जो है ये अकाउंट बना दिया। अब मैं पॉज करके इस पे पासवर्ड सेट करूंगा। ओके, तो अकाउंट जो है वो मैंने नया बना लिया, ये आप देख सकते हैं SN वीडियो के नाम से अकाउंट जो है वो आ चुका है हमारे पास। और अब हमने क्या करना है, इस अकाउंट को हमने डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करना लाजमी है, उससे पहले आप जो है वो फॉलो नहीं कर सकेंगे। आप क्या करेंगे, सिंपल डिपॉजिट में जाएंगे, ये अकाउंट आपके पास आ गया 875785। ठीक हो गया। अब आप जाएंगे डिपॉजिट में। माजर चाहूँगा, मेरा नेट थोड़ा स्लो हुआ हुआ है, हम ऑलरेडी कंप्लेन भी कर चुके हैं, मगर पता नहीं किसी वजह से बहुत हमारी स्पीड जो है वो स्लो चल रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सामना करना पड़ेगा डिलेज का। अच्छा, डिपॉजिट में गए, KYC आप कर चुके हैं, अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया। अब वो आपसे पूछ रहा है अकाउंट टू डिपॉजिट, किस अकाउंट में आपने डिपॉजिट करना है। यहाँ पे आप वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, SN वीडियो, ठीक है। पेमेंट किस ऑप्शन से आप करना चाह रहे हैं, आपके पास पाकिस्तान लोकल डिपॉजिट है, USDT है, इंडिया लोकल डिपॉजिट है, स्क्रिल है, और दुबई लोकल डिपॉजिट है, परफेक्ट मनी है, इनमें से कोई भी आप मेथड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं USDT फर्स्ट करे कर लेता हूँ। कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना है, यहाँ पे मैं $500 जो है अमाउंट डिपॉजिट कर देता हूँ, 5000 हो गया ये। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये वॉलेट एड्रेस मेरे पास आ गया है, इसको मैं कॉपी करूँगा, इस अमाउंट पे जो है मैं डिपॉजिट करूँगा, और मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा और प्रोसीड पेमेंट कर दूंगा। वेरीफाई किया जाएगा पेमेंट के बारे में, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, डिपॉजिट मेरे अकाउंट में आ जाएगा।
अच्छा अब मैं वीडियो को दोबारा पॉज करूंगा क्योंकि मुझे वाकई डिपॉजिट करना पड़ेगा इस अकाउंट में, तो जैसे ही डिपॉजिट हो जाता है मैं अपने क्रेडेंशियल्स नहीं दिखाना चाह रहा, तो उसके बाद हम दोबारा वीडियो का आगाज करेंगे एक मिनट बाद। जी तो गाइस वीडियो में वापस आ चुका हूँ, डिपॉजिट मेरा $500 का हो चुका है जो अकाउंट हमने बनाया था। अब आपने सिंपल लास्ट और फाइनल स्टेप करना है, कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जाएंगे, फॉलोवर एक्सेस पासवर्ड लिखूंगा और उसके बाद फिर मैं दोबारा आपको बताऊंगा। अच्छा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखा, पासवर्ड लिखा, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने किसे ज्वाइन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है वो लोग हैं जो कॉपी ट्रेडिंग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे एक का डबल और ये आ गया एक का डबल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा ऑफर आ जाएगा कि ये निकनेम है, ये पब्लिक है, ये पर ट्रेड चार्ज होगा, मिनिमम बैलेंस $500 है, $500 ही हमने जो है वो डिपॉजिट किया इसी वजह से। आपने अब सिंपल रजिस्टर्ड का बटन दबाना है, अच्छा अब मैंने क्या गलती की है, मैंने पासवर्ड शायद गलत डाल रहा हूं दोबारा से, एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी तो गाइज जैसे मुझे शक था कि मैं पासवर्ड गलत डाल रहा था, तो जैसे ही मैंने सही पासवर्ड डाला तो मेरे पास ये सामने एक नई विंडो जो है वो ओपन हो गई। अब यहाँ पे आपका फाइनल स्टेप है और उसके बाद आपका कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके पास फिल्टर आएगा, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने सारी चीज़ें करनी है। अभी आपका सब्सक्रिप्शन एरिया, ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, सारा आपके हाथ में है, ठीक है। सबसे पहले प्रोवाइडेड फिल्टर, वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप चाहो तो आप ये इसमें ऑप्शन डाल सकते हो कि सिर्फ बाय करो, या मतलब कि मैं अगर बाय कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ आपके अकाउंट में सिर्फ बाय लगेगी या सेल लगेगी, मिनिमम लॉट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम लॉट क्या होनी चाहिए, तो इसको आप छोड़ दोगे। दूसरा ऑप्शन है कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आपने कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है कि आपके अकाउंट में जो ट्रेड्स हों उस पर आप कर सकते हो कि खुद से वो कैलकुलेट करे आपके अकाउंट और मेरे अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से। मैं अगर $1 लगा रहा हूँ आपके अकाउंट में $10 लगे फिक्स, मैं अगर 10 स्टैंडर्ड लगाऊं या $1 लगाऊं आपके अकाउंट में जो भी आप फिक्स कर दोगे वही लगे लॉट प्रोपोर्शन। तो इसको आप ऑटो स्केल करके जो है बैलेंस रेशियो मल्टीप्लायर इसको आप सेफ चेंजेस कर दोगे, या इसको अगर नहीं भी छोड़ो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा उसके अलावा मैक्सिमम ओपन वॉल्यूम अगर आप रखना चाहो कि यार 10 स्टैंडर्ड से ज़्यादा मेरे अकाउंट में ओपन ना हो वो आप कर सकते हो। और ये लास्ट रिस्क मैनेजमेंट का है, इसमें आप पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते हो कि फर्ज कर लो कि अगर आपने जो है $10,000 डिपॉजिट किया, आप चाहते हो कि यार मेरा $8,000 से ज़्यादा जो है वो नेगेटिव में ना जाए, यानी कि $2,000 से ज़्यादा लॉस ना हो, तो यहाँ पे आप पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते हो कि जैसे फर्ज करो टोटल लॉस $2,000, सस्पेंड हो जाए या अनसब्सक्राइब हो जाए। अब इसका मतलब कि अगर मेन अकाउंट में मेरे अकाउंट में कभी अल्लाह ना करे जो है वो $2,000 का लॉस होता है तो वो ऑटो आपके अकाउंट को अनसब्सक्राइब कर देगा, और जो ट्रेड्स चल रही होंगी उनको अगर आप ये करते हो क्लोज ऑल तो वो क्लोज ऑल कर देगा, तो इसको आप छोड़ दोगे। अब लास्ट आपने क्या करना है, एक्शन में जाके आपने एक्टिव करना है, न्यू पोजिशंस ऑफ प्रोवाइडर विल स्टार्ट बिंग कॉपिंग, ठीक है। अब फर्ज कर लो कि जैसे ही मेरे अकाउंट में कोई नई ट्रेड लगेगी आपके अकाउंट में एक्टिव का बटन दबाते साथ ही लगना शुरू हो जाएगी, और ये मैंने एक्टिव कर दिया और आपका कॉपी ट्रेडिंग MBFX में जो है वो एक्टिव हो गया। बीच में थोड़ा सा वो चीज़ें आगे पीछे हो गई, मैं पासवर्ड गलत डाल रहा था तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। अब आप देखने के लिए सस्पेंड का अगर ऑप्शन आ रहा है तो मतलब आपका अकाउंट एक्टिव हुआ हुआ है, अगर आप डीएक्टिव करना चाहो तो सिंपल सस्पेंड या अनसब्सक्राइब कर दोगे। विड्रॉ जब आप लेना चाहो ले सकते हो, विड्रॉ के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे वही जिस तरह डिपॉजिट किया था उसी मेथड से आप विड्रॉ कर लोगे। अच्छा अब हम आते हैं एक्सनेस की तरफ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, माजरत चाहूँगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ तो उसमें टाइम तो हमारे पास लगेगा, ठीक है। एक्सनेस क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में और तुर्की में भी यहाँ पे जो है एक्सनेस की वेबसाइट को जो है वो गवर्नमेंट्स ने बंद किया हुआ है, तो उसके लिए हमें VPN ऑन करना पड़ता है, तो मैंने VPN ऑन किया है।
एक्सनेस के लिए आपने ये लिंक मौजूद है, दोबारा दोहराऊंगा, अगर आपका एक्सनेस में पहले से अकाउंट मौजूद है तो आप न्यू ईमेल से, सेम नाम सेम केवाईसी मगर न्यू ईमेल से आपको दोबारा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप इस उस पे लिंक पे जो है वो क्लिक करेंगे, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की में है या दुबई में मुझे नहीं पता, वहाँ पे भी जो है वो मार्केट जो है वो बंद है गवर्नमेंट की तरफ से एक्सनेस की, तो आपको वीपीएन ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा, कंटिन्यू टू, ठीक हो गया, कंटिन्यू टू द वेबसाइट। अच्छा, ये क्योंकि वो वीपीएन की वजह से मसला हो रहा है, आपके पास ये मसला नहीं होगा क्योंकि मैं तुर्की में हूँ तो वो रोमानिया की खुल रही है। खैर, आप सिंपल जाके जो है वो अकाउंट क्रिएट करेंगे, मुझे नहीं लगता अकाउंट क्रिएट करने में कोई बहुत बड़ा जो है वो मसला आएगा, तो मैं अब डायरेक्ट जो है वो अकाउंट ओपन करता हूँ कि उस पर आपने आगे क्या। अच्छा, तो गाइज आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है, इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आ रहा होगा। एक्सनेस में भी आपको सबसे पहले जो है वो केवाईसी करनी पड़ेगी, केवाईसी के बाद आप जो है इस अकाउंट में जो है कॉपी ट्रेडिंग कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती ये हुई थी कि मुझे ये सुनने में या समझने में थोड़ी गलती हुई थी, आपने सिंपल जो है जो मैंने आपको कहा था कि एक ट्रेड आपको ओपन करनी है वगैरह वगैरह, तो एक्सनेस में मैं क्योंकि बिल्कुल न्यू हूं तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था। एक्सनेस का थोड़ा अलग सिस्टम है। MBFX में क्या है कि आपने कॉपी ट्रेडिंग का अकाउंट बना लिया, अब आप खुद भी उसमें ट्रेड कर सकते हो और जो मास्टर अकाउंट से ट्रेड आ रही है वो तो आई आ रही है, मगर एक्सनेस में क्या है कि अगर आप मेरे साथ अकाउंट को लगा रहे हो फॉलो करने में तो उसमें आप खुद से जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक हो गया, वो जो भी मेरे अकाउंट में बन रहा होगा वो आपको उसी से जो है वो चलाना पड़ेगा। अच्छा, बहरहाल एक्सनेस का तरीका क्या है, आपने अकाउंट अपना ओपन कर लिया, केवाईसी आपने कर लिया, अच्छा उस चीज़ को अब आप छोड़ देंगे, वो जो मैंने आपको बोला था कि आपको एक अलग से अकाउंट ओपन करके एक ट्रेड लगानी है वगैरह वगैरह, आपने क्या करना है, सिंपल इन्वेस्टमेंट वॉलेट में जाना है, क्योंकि एक्सनेस का जो है वो ट्रेडिंग सिस्टम अलग है, सोशल ट्रेडिंग सिस्टम अलग है, मैं वो MPFX के ही ध्यान पे चल रहा था, ठीक हो गया। अब आपने सोशल ट्रेडिंग में अगर डिपॉजिट करना है तो आपने अलग से इन्वेस्टमेंट वॉलेट में आना है, यहाँ पे ये पेमेंट मेथड वही जो MBFX में वही यहाँ पे भी है, लोकल डिपॉजिट, USDT, बाइनेंस, बैंक कार्ड, जिससे भी आप करते हैं आप डिपॉजिट करेंगे अपने अकाउंट में, यहाँ पे आप अपना अकाउंट जो है वो कोई इस मेथड पे सिलेक्ट कर रहे हैं टू अकाउंट, ये आपका अकाउंट नंबर है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंटिन्यू करके आप डिपॉजिट कर देंगे। उसके बाद जब आपका डिपॉजिट हो जाएगा तो मैंने जो लिंक आपको दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं, एक का डबल सोशल ट्रेडिंग, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये इस तरह का आपके पास आ जाएगा और आप सिंपल जो है वो स्टार्ट कॉपिंग पे क्लिक कर देंगे और आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्योंकि पहले से जो है वो डिपॉजिट हुआ हुआ होगा तो आपको मसला नहीं होगा, ठीक हो गया। ये एक सिंपल सी लॉजिक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि अब और कोई मज़ीद कन्फ्यूजन किसी को आनी चाहिए डिपॉजिट करने के लिए। दोबारा दोहरा रहा हूँ, एक्सनेस में आपने मेरे लिंक से अकाउंट खोला, आपने उसके बाद क्या किया, केवाईसी किया, आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट वॉलेट में आए, यहाँ पे आपने डिपॉजिट कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट वॉलेट में, उसके बाद सोशल ट्रेडिंग में आप गए या आप डायरेक्ट जाके मेरा लिंक, क्योंकि अभी हमने ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया तो इस वजह से वो नहीं आ रहा होगा। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने डिपॉजिट किया, सिंपल आप गए, MBFX का भी मैंने ये लिंक आपको दिया हुआ है, MBFX के लिंक से करना चाहे MBFX पे कर सकते हैं, एक्सनेस के लिंक से करना चाहे एक्सनेस पे कर सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि हमारा ऑलरेडी हुआ हुआ है मैं पूरा प्रोसेस MBFX का आपको समझा चुका हूँ, दोबारा नहीं जाऊँगा। इन्वेस्टमेंट वॉलेट में आपने डिपॉजिट करने के बाद सिंपल स्टार्ट कॉपिंग करनी है और आपकी ट्रेड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल मेरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त मैंने उसमें डिपॉजिट नहीं किया, इस वजह से। आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सनेस कॉपी सोशल ट्रेडिंग की अलग एप्लीकेशन है, मुझे उसके बारे में नहीं पता था। अगर आपके मोबाइल में जो है वो एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड ना हो रही हो तो आपने जो है वो
एक्सनेस की लाइव चैट पे जाके आप कर सकते हैं, या वीपीएन ऑन करके जो है वो आप क्या कहते हैं कर सकते हैं डाउनलोड, या तो फिर यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होगा पर्सनल एरिया पार्टनरशिप एक्सनेस पब्लिक वेबसाइट, यहाँ कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो लाजमी कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा एक्सनेस। मैं बिल्कुल न्यू हूँ तो मुझे नहीं पता कि कहाँ पे होगा, मगर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, या आप सिंपल लाइव चैट पे जाके जो है वो आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई किसी को कोई मजीद जो है वो मसला दरकार होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मगर 26 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, मुझे वीडियो बनाते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं क्योंकि बीच में वीडियो पॉज कर करके हमने डिपॉजिट किया बहुत सारी चीज़ें की। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप लोग जो है वो डिपॉजिट करने में कामयाब रहेंगे, सफल रहेंगे। और कल का दिन आपके पास है, मंडे का दिन हमने एक दिन आगे एक्सटेंड कर दिया है, ट्यूसडे से हम इंशाल्लाह जो है स्टार्ट करेंगे अब। और टाइम नहीं वेस्ट करें, जल्द से जल्द जो है वो आप कर सकते हैं स्टार्ट। बहुत सारे कोई क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को मसला आ रहा है एक्सनेस पे, क्योंकि एक्सनेस पे मेरे पास अभी तक सिर्फ अकाउंट में जिन्होंने फॉलो किया है वो 48 लोगों ने किया है, जिन्होंने अकाउंट बनाए हैं वो तकरीबन 300 लोग हैं। बहुत सारे दर्जनों के मैसेजेस आए हुए हैं कि यार डिपॉजिट कहाँ करना है, कैसे करना है वगैरह वगैरह। तो MBFX का भी मैंने समझा दिया है, एक्सनेस का भी आपको समझा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि और यहाँ से मैं कोई मजीद आपको डिटेल में समझा सकूँगा कि किस तरह से डिपॉजिट करना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो देखो आप MBFX की या एक्सनेस की लाइव चैट पे जाके उनसे हेल्प ले सकते हैं कि ये मैंने ये करना है वगैरह वगैरह, किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो गाइज प्लीज़ जल्द से जल्द जिन्होंने अकाउंट बना लिया है अल्लाह का नाम लेके फॉलो करें, मेरे लिए जो है वो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है हमें इस मिशन में कामयाब करे और ईद से पहले पहले हम 5,000 या $10,000 बनाने में कामयाब हो जाएं। दुआओं में याद रखें, फिर भी कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, जम के पैसे कमाएं। अल्लाह हाफिज़।